दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। 19 अप्रैल यानी चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान है। इन 21 राज्यों की कुल 102 सीटों के लिए पहले चरण की वोटिंग है। पोलिंग बूथों पर तमाम इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा है। जिन राज्यों में मतदान है, अगर उनकी बात की जाए तो इन 21 राज्यों में पूर्वोत्तर के 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम शामिल हैं। मध्य भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में पहले चरण का चुनाव है। पूर्वी राज्यों में असम, पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान है। उत्तर भारत के राज्यों की बात करें तो इसमें जम्मू और कश्मीर के साथ साथ उत्तराखंड शामिल हैं। पश्चिमी राज्यों में राजस्थान, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों में महाराष्ट्र और तमिलनाडु में चुनाव है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और पौंडिचेरी में भी पहले चरण का मतदान है। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि किन 21 राज्यों में चुनाव है और वहां पर कौन कौन सी सीटों के लिए वोटिंग की जाएगी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में आज पहले चरण का चुनाव है। बिहार की बात करें तो यहां पर औरंगाबाद, गया, जमुई, नवादा सीटों पर मतदान है। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा, बालाघाट, जबलपुर, मंडला, सीधी और शहडोल सीट पर वोटिंग करवाई जाएगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर एक सीट बस्तर पर ही चुनाव है, जबकि राजस्थान में गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर में वोटिंग है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर, रामटेक और नागपुर में वोटिंग है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। यहां पर टिहरी गढ़वाल, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पश्चिम बंगाल की अब बात करते हैं तो यहां पर कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में पहले चरण का मतदान है। अरुणाचल प्रदेश की अरुणाचल प्रदेश पूर्व और अरुणाचल प्रदेश पश्चिम सीट के लिए वोटिंग करवाई जाएगी। असम की डिब्रूगढ़, जोरहाट, काजीरंगा, लखीमपुर और सेनितपुर में मतदान है। मणिपुर की बात करें तो यहां पर भीतरी मणिपुर और बाहरी मणिपुर सीट के लिए वोटिंग करवाई जाएगी। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की अगर हम बात करें तो यहां पर एक ही चरण में चुनाव है। जम्मू और कश्मीर में उधमपुर, लक्षद्वीप में एक चरण में ही मतदान है। उसके अलावा त्रिपुरा की त्रिपुरा पश्चिम सीट, मेघालय में शिलोंग तुरा सीट के लिए, मिजोरम, नागालैंड, पौंडिचेरी और सिक्किम में एक ही चरण में चुनाव है, जबकि तमिलनाडु में पहले चरण में सबसे ज्यादा 39 सीटों के लिए वोटिंग करवाई जाएगी। लोकसभा चुनाव 44 दिनों में 7 चरणों में संपन्न करवाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तय कार्यक्रम के मुताबिक वोटों की गिनती 4 जून को कराई जाएगी और उसी दिन ये साफ हो जाएगा कि देश में नई सरकार कौन सी पार्टी बनाने जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।